मिशन कॉन्सेप्ट इज पावर। सबसे पहला हमारा नारा कॉन्सेप्ट इज पावर, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज पावर। इसी कैंपेन के तहत आज की ये वीडियो मैं आपको समर्पित करने जा रहा हूँ। क्यों बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट इज पावर, आज ये वीडियो आपको बताएगी। पूरी वीडियो देख लेना, इस बात की गारंटी मेरी है, नंबर सिस्टम का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। स्टडी मतलब यस सर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। हमने एनालिसिस किया था ना, तो उसमें हमने पाया कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये सवाल आया है, मतलब हर बार समझ लो आया है, क्योंकि नंबर सिस्टम में 4 से 5 सवाल आते हैं इसमें, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, कुछ भी हो। तो देखिए इसमें आपसे क्या सवाल बनता है कि भाई इसका इकाई का अंक बताएं, मतलब इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना होता है। आईएससी का कॉन्सेप्ट सीख लेते पहले। देखिए यहां पर सवाल क्या क्या बनते हैं कि भाई कोई नंबर आपको दे रखा होगा और उसकी ना कुछ पावर होगी, कुछ भी पावर हो सकती है, यहाँ पे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी, हमें उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमें बताना होता है कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आइए एक एक नंबर लेके उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पर और उसके लास्ट में ना 0 है और फिर इसकी कुछ पावर है, कुछ भी पावर हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी। अब हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। देखिए अब पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए आप अपने पास, क्या कि जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 हो, उसकी कितनी भी पावर हो, उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा ना वो आपका 0 ही रहेगा। नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, याद हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, मान लीजिए कोई नंबर है उसके लास्ट में 1 है और इसकी कुछ पावर है, कुछ भी पावर हो सकती है लास्ट में नंबर के, लेकिन 1 है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी कोई ऐसा नंबर हो कि भाई जिसके लास्ट में 1 हो और उसकी कुछ पावर हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये भी आप लिख लीजिए कि उसका यूनिट डिजिट आपका 1 ही रहेगा। नो चेंज, कुछ नहीं बदलना आपको, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब मैं ले रहा हूं यहां पे नंबर 5 के, कोई नंबर है उसके लास्ट में 5 है और उसका स्क्वायर आपको करना है, बल्कि कुछ भी कर सकते हैं यहां पर आप ना, यहां पर पावर 257 भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो यहां पर यूनिट डिजिट आएगा फिर वो क्या आएगा, मतलब अगर हम इस नंबर को 257 बार मल्टीप्लाई करें खुद से बार बार, तो जो उसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, वो क्या होगा, हमें यह बताना है। देखिए अब यहां पर एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए मेरे साथ, अगर मैं यहां पर करूं 5 का स्क्वायर, तो देखिए 5 पंजे कितना होता है आपका, 25 होता है, ठीक है। अब मैंने यहां पर करा 5 का क्यूब, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो कितना होगा, 125 होगा। इसी तरीके से मैं करूं अगर 5 की पावर 4, मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो यहां पर क्या देखा आपने, हमने ये देखा कि भाई लास्ट में तो 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है, उसकी कितनी भी पावर हम कर दे, तो उसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, मतलब नो चेंज आपको कर देना। तो यहां पर भी आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, कब, 5 के केस में। आइए इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप लिखते भी रहिएगा साथ में। आइए अब बढ़ते हैं हम 6 की तरफ। तो देखिए अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में 6 है, उसका कुछ भी उसकी पावर है, कितनी भी पावर है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका भी 6 रहेगा, नो चेंज। अगर 6 है ना नंबर लास्ट में, तो उसका यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगा। कैसे आएगा ये भी सीखते चलो। देखिए 6 की पावर 1, 6 कम 6, ठीक है, 6 की पावर 2, 6 छिंग आपके हो जाएंगे 36, 6 की पावर हम 3 करेंगे तो 6 छिंग 36 छिंग 216। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, यहाँ पर हमने ये पाया कि भाई यूनिट डिजिट में 6 ही आ रहा है, इसका मतलब भाई 6 अगर नंबर के लास्ट में हो, कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। बिना देखे बिना सॉल्व करे आप आंसर लगा देना, अगर सिंगल नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है तो, अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो उसका भी बनेगा, उसका भी आपको बताऊँगा। चलिए इतनी बात हो गई, आइए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर 0, 1, 5, 6 ये 4 नंबर हो, तो इनकी कंडीशन क्या है, नो चेंज, इनका यूनिट डिजिट ये ही रहता है। आइए अब बात करते हैं और नंबर्स की। आइए मेरे दोस्तों अब बात करते हैं 4 और 9 की, कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 हो या 9 हो और उनकी कुछ पावर हो, तो फिर यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो हम 4 के पावर्स निकालते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए अगर मैंने 4 की पावर निकाली 1, तो ये आ गया आपका 4 एकम 4, ठीक है। अगर मैंने 4 का किया स्क्वायर, मतलब पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16। अगर मैं 4 का कर देता हूँ क्यूब, मतलब 4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है।
64 मैंने लिख दिए। इसी तरीके से अगर मैं 4 की पावर 4 निकालूं तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 चौक 64 चौक कितने 256, तो ये हो गया आपका 256। अब आप यहां पर एक बात नोट कीजिए, क्या बात नोट करेंगे आपके, जब पावर जो है वो ओड है, मतलब पावर जो है वो ओड है, 1, 3, 5, 7 के केस की है, तो वही नंबर आ रहा है हमारा जो नंबर था, ठीक है। और जब पावर हमारी इवन है, 2 है 4 है या 6 होती 8 होती, कि जब हमारी पावर्स इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है 6। तो मेरे दोस्तों यही 4 का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है 4 का? 4 का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर उसकी पावर जो नंबर दिया है जिसके लास्ट में 4 है ना, अगर उस नंबर की जो पावर है ना मेरे दोस्तों, वो पावर अगर ओड है, वो पावर एक ओड नंबर है, तो हमारा 4 ही रहेगा, यूनिट डिजिट वही का वही आएगा, आपको नो चेंज करना है इसमें, बहुत प्यारी ट्रिक है। अगर हमारा जो पावर है वो हमारी इवन हो जाती तो फिर हमारा नंबर क्या आएगा, फिर हमारा नंबर 6 आ जाएगा। इसको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 6 और 4 10 होते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो बनता है वो 10 का जोड़ा बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर हो उसके लास्ट में 4 हो, उसकी कुछ पावर हो, अगर पावर ओड है तो वो यूनिट डिजिट उसका 4 ही आएगा, अगर पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट आप 6 लिख देना, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अब सीखते हैं 9 का क्या ट्रिक हो सकती है। 9 अगर लास्ट में हो नंबर की तो फिर हम क्या करेंगे, तो 9 के भी स्क्वायर निकालते हैं, इसका भी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए 9 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 * 9। 9 की पावर हम 2 करेंगे मतलब 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 * 81, है ना। अगर 9 का हम क्यूब निकालें मतलब 81 की भी पावर 9 कर दें, मतलब 81 की 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका कितना 729। तो यहां पर भी हमने एक बात नोट की, क्या बात नोट की, कि भाई जब पावर जो है वो कैसी है, वो ओड है, जब पावर ओड है तो वही नंबर सेम रहेगा, और जब पावर इवन होगी तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये बात आप 9 के केस में ध्यान रखेंगे, किसी नंबर के लास्ट में अगर 9 है तो उसकी पावर अगर ओड है, ओड नंबर में है, तो आप क्या कर देंगे, 9 का 9 ही लिख देंगे यूनिट डिजिट, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। और अगर पावर जो है वो आपकी इवन नंबर में आ गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप 1 लिख देंगे, वही मैंने बता दिया आपको 10 का जोड़ा बनता है, तो 9 और 1 = 10। तो इस तरीके से हमारा 0, 1, 5, 6 का तो 9 चेंज हो जाएगा, और 4 और 9 का भी एक तरीके से 9 चेंज ही हुआ, कब, कि जब जो पावर होगी वो ओड होगी, और जब पावर इवन होगी तो हमारा 6 और 1 रहेगा 4 और 9 का यूनिट डिजिट। आइए अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन नंबर्स की जिनके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता होगा, और उसकी हमसे यूनिट डिजिट निकलवाई जाएगी कि क्या होगी। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा स्पेशल भी है, और ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ इसी सवालों पे बेस्ड नहीं है, और सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट पर फॉलो होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पावर्स निकाली हैं कुछ, और उनके यूनिट डिजिट पर हम नज़र मारते हैं। जब 2 की पावर 1 थी तो हमारा डिजिट आया हमारा 2, 2 की पावर 2 निकालने पर यूनिट डिजिट था हमारा 4, 2 की पावर 3 पर हमारा आया 8, 2 की पावर 4 जब हमने निकाली तो हमारा यूनिट डिजिट 6, और 2 की पावर 5 करने पर हमारा यूनिट डिजिट आया 2। अब मेरे दोस्तों हर पावर पर ना यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग है, तो क्या हमें सारे याद करने पड़ेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए, और थोड़ा सा पैटर्न पर ध्यान लगाइए। देखिए यहां पर पैटर्न देखिए आप, कि हर 4 पावर के बाद जब हम 5वीं पावर निकाल रहे हैं तो हमारा जो डिजिट है ना यूनिट डिजिट, वो हमारा रिपीट होने लगा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यही तो हो रहा है ना, कि हर 4 पावर के बाद जब हम 5वीं पावर निकाल रहे हैं तो हमारा जो डिजिट है वो रिपीट हो जाता है, फिर से वही डिजिट आने लगता है जो पहली पावर पे था। यही कंडीशन हमारी 3 के साथ ही फॉलो हो रही है। देखिए यहाँ पर 3 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, और 3 की पावर 5 का भी जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। तो यहाँ पर हर 4 पावर के बाद 5वीं पावर पे जो है हमारा डिजिट रिपीट होता है, तो ये रिपीट पैटर्न हमारा होता है इन 4 नंबर पे, इसलिए ये स्पेशल है। देखिए 7 की पावर 5 में भी जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 8, 7 है, और 8 की पावर 5 में भी हमारा जो लास्ट डिजिट है वो वही है जो हमारी पहली पावर पे था। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम 5 की पावर का डिजिट निकालें या पावर 1 का डिजिट निकालें तो बात सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी पावर का ना निकाल के ना छोटी पावर का निकालेंगे, मतलब हम पावर्स को छोटा बनाएंगे। छोटा कैसे बनाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करके हम पावर छोटी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हर 4 पावर के बाद जो है वो रिपीटेशन हो रही है। आइए सवाल को समझते हैं, कैसे हम सवाल में अप्लाई करेंगे इसको। देखिए सवाल मैंने ले लिया यहां पर 623
की पावर मैंने ले ली मान लीजिए 49, ठीक है 49। हमसे कहा गया कि इसका यूनियन डिजिट बताइए क्या होगा, मतलब जब हम 623 को 49 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आखिरी जो अंक होगा। तो देखिए हमने सीख लिया कि भाई जब तीन हो तो क्या करो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को छोटा करना है हमें बेसिकली। तो पावर जो है इसकी 49 है, मैंने इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। ये 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, इसका आंसर आपको पता है, यहाँ पर जो हमने पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है 4 के बाद हो रहा है, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं। तो 4 एकम 4 ये पूरा पूरा कट गया, 9 नीचे उतारा, 4 दूनी 8 यहाँ माइनस करा तो एक रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये कि 12 बार जो पावर पूरी पूरी कट गई, कितनी बार बची, एक हमारा रिमाइंडर बचा, बाकी बचा। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ एक पावर निकालनी है इसी सेम नंबर की, जो 623 की पावर 1। अब आपका क्या होगा इकाई का अंक, बहुत आसान है भाई, 3 एकम क्या होता है आपका, बस 3 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर इस केस में इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना दोस्तों मल्टीप्लाई के बाद इसका, वो हमारा 3 आएगा। इस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। आइए एक सवाल और लेते हैं और दूसरा सवाल लेते हैं, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने नंबर कुछ और ले लिया, मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 627 की पावर और 52, चलिए 52, ठीक है 627 की पावर 52, 27 की पावर 7 है लास्ट में, तो हमें क्या करना है, पावर को छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 4 से, मैंने यहाँ पर डिवाइड की तो 4 एकम 4 माइनस करा, एक बचा, ये दो नीचे उतारा, 12 बन गया, 4 3 12। अरे अब तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो अब कितनी पावर लगाएंगे हम, हमने तो सीखा भाई रिमाइंडर जो हो वो पावर बना देना। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर 623 से 627 की पावर हम क्या बनाएं, हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों जब भी पावर पूरी पूरी कट जाए, इसका मतलब पावर पूरी पूरी कट चुकी है, तो आप क्या करेंगे फिर पावर जो है ना वो 4 बार 4 करेंगे, मतलब 4 पावर खोलेंगे। तो क्यों खोलेंगे, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 बार के बाद जो 5वीं पावर होगी वो वही नंबर होगा। अब 4 पावर खोलना, देखिए यहाँ पर 7 की पावर 4 है ना, वो 1 होती है, उसमें यूनिट डिजिट जो है लास्ट में 1 आता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 बार पावर खोल लिए तो 7 × 7 × 7 × 7 ये आप करेंगे, 7 7 आपके 49 हो गए, 7 7 आपके 49 हो गए, और 9 9 आपके 81 होते हैं, 81 का जो लास्ट वाला जो अंक है हमारा यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 1 होता है। तो इस तरीके से आपका इसका जो लास्ट जो हमारा हिंसा होगा, जो हमारा अंक होगा ना दोस्तों, वो हमारा 1 होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे कि भाई जब भी पावर हो ना उसको 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आए वो पावर खोल देना, अगर रिमाइंडर कुछ भी ना है तो 4 बार पावर खोल के आप अपना आंसर लेके आ जाएंगे। आइए अब इस ट्रिक को और आगे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सीखते। अरे ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, 819 की पावर 547 और 615 की पावर 317 और इतनी बड़ी पावर 1793 तक पावर पहुंच गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, हमने ये ले लिया, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीख लिया ना पूरा डिटेल में, उसको अप्लाई करेंगे, बिकॉज नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। अब इसको अप्लाई करना सीखिए, अगर आप यहां तक वीडियो पहुंचे ना ये और सीख के जाइए, फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी पूरी लाइफ में। तो देखिए यहां पर सवाल जो आया था वो ये आया था भाई, ये इतने सारे नंबर्स हैं, इनकी इतनी सारी पावर्स हैं, हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट के इनको सॉल्व करके इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए अब आइए अपने जो भी हमने सीखा है ना सब कुछ लगाएंगे। देखिए 7 का केस हमने सीखा था, क्या करना है पावर को डिवाइड करना है 4 से, तो फटाफट कर देते हैं। तो यहां पर इसकी पावर है 413, ये मैंने इस पावर को 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4 ये पूरा पूरा कट गया, ये मैंने 1 नीचे उतारा, 1 4 से छोटा है नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 0 लगा के अगला नंबर भी उतार लेंगे, 13 हो गया ये, फिर 4 3 12 और ये माइनस होके आ गया 1, रिमाइंडर 1 बचा। मैंने क्या बताया था, जो बचे वो पावर बना देना। तो यहां पर हमें क्या बनाना है, 217 की पावर 1 बनानी है, और 17 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ भाई, 7 एकम 7 7 ही रहेगा। तो यहां पर इसकी जो इकाई यूनिट होगी, ठीक है इसका जो वो होगा आपका इकाई का अंक, वो तो 7 रहेगा। आइए अब बात करते हैं इसकी, 9 का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई अगर ओड नंबर हो पावर का तो 9 का 9 ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलना, तो इसका 9 का 9 ही रहेगा। 4 का भी मैंने आपको बताया था, 4 और 9 का एक साथ बताया था कि भाई 4 का क्या करना है कि अगर इवन पावर हो तो क्या होगा 6 हो जाएगा, ओड पावर हो तो नो चेंज। तो यहां पर पावर इवन है, ठीक है लास्ट में 4 है, इवन की वजह से हम क्या करेंगे इसका 6 लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब 2 का स्पेशल केस क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है पावर को, कर देते हैं इसकी पावर है 812, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी हो जाएगी 8, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 नीचे उतरेगा, 1 4 से छोटा है, तो क्या करेंगे 0 लगा के अगला नंबर उतार लेंगे, 12 बन जाएगा, 4 3 आपके हो जाएंगे 12। ये पूरा पूरा
पूरा कट गया, पूरा कट जाए तो क्या करना है वो भी आपको सिखा दिया है मैंने। क्या करना है भाई, चार पावर खोल देनी है, तो दो की पावर चार हम खोल देंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दो दुनिया आपके चार हो जाएंगे, दो दुनिया चार हो जाएंगे, चार चौका आपका 16 का 6 आ जाएगा इसका लास्ट जो आपका अंक होगा, तो इसका 6 आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आपका, देखिए 7 नीम आपके होते हैं 63 और 6 छिंग आपके होते हैं 36 और 6 आपके होंगे 18, तो 18 का जो आखिरी अंक होगा उधर का कौन सा होगा, वो 8 होगा। तो इसका जो पूरे का सॉल्व करके जो यूनिट डिजिट आएगा ना वो 8 आएगा मेरे दोस्तों, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही आंसर होगा। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, यहां पर इतना बड़ा क्वेश्चन जो था इतनी जल्दी आपने कर लिया, आप एग्जाम में और जल्दी करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको और जल्दी करने की देखते हैं, करके देखते हैं। देखिए 4 है, ठीक है, और पावर है तो नो चेंज, ठीक है, 5 में भी नो चेंज करना है आपको, और 1 का तो कुछ भी रहे वो 1 ही रहता है, ये जो ये तो कुछ भी नहीं था इसमें, तो 5 चौक 20 और आपका 0 आ गया। एक ट्रिक और बता देता हूँ, मुझे यहाँ 0 से याद आ गई। देखिए अगर कोई भी सवाल ऐसा है, ठीक है, कान में सुनिए बहुत ध्यान से, अगर कोई भी सवाल ऐसा है ना और उसमें एक नंबर के लास्ट में 5 हो और कोई नंबर और हो जिसके लास्ट में 6 हो, तो उसका ना आप कुछ मत करना, आंखें मीच के 0 आंसर लगा देना, बस सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए 5 और 6 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 30 होगी, 30 में लास्ट में 0 आ जाएगा, और जब लास्ट में 0 आ जाए उसकी मल्टीप्लाई किसी से भी हो तो 0 ही आता है ना, तो जब भी अगर दो नंबर ऐसा आ जाए एक क्लास में 5 हो एक क्लास में 6 हो, आंखें मीच के 0 लगा देना आंसर, कुछ भी नहीं करना, एक सेकंड भी लगेगा आंसर आने में। ये सवाल हमने करे, आइए कुछ और सवाल देखते हैं दोस्तों। ये सवाल भी पूछे गए एग्जाम में, थोड़े से अलग है, इनको भी देखिए। यहां पर सवाल है कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल बताएं। इंग्लिश वाले समझें कि भाई 25 की पावर 25 को 26 से डिवाइड कर दिया गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमें रिमाइंडर बताना है। तो अगर आप आरएस अग्रवाल आपके पास होगी उसमें आप देखेंगे तो एक तरीका लिखा हुआ है जिसमें आपको एक रूल याद करना पड़ता है। वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि भाई एक्स की पावर एन होगी, अगर उसमें प्लस वन कर दें तो वो हमेशा डिवाइड होगा एक्स प्लस वन से, यह हमारा रूल है, इसके थ्रू हम याद करते हैं। लेकिन हम अभी यहां फॉलो ये नहीं कर रहे, हम अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से अपना टाइम बचा के अपना आंसर लेकर आएंगे। तो देखिए यहां पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, चार वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था ना, वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दो आप, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पावर छोटी करेंगे। तो 25 पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये जाएगी आपकी 4 6 24, तो माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जो रिमाइंडर होता है फिर वो पावर बन जाती है। तो भाई 25 की पावर 1 बना दो, वो 25 की पावर 1 तो खुद 25 ही होगा ना, क्योंकि 25 हो गया। अब इस 25 को 26 से डिवाइड करो आप, कितना आसान काम हो गया, 25 छोटा है 25 छोटा है, 26 डिवाइड नहीं होगा तो 25 इसका आंसर है। जी हाँ, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल, तो भाई 25 ही इसका आंसर आएगा भाई, बाकी जो बचेगा वो 25 ही बचेगा, क्योंकि 25 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया इसका 25 निकल के, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, रूल से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। आइए एक सवाल ये भी था कि भाई 2 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5 के, इसको हमने 5 से ऐसे करके डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा वो बताइए। हम सीख चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, पावर छोटी कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये मैंने पावर छोटी कर दी, इसको 4 से डिवाइड करा, 4 सत्य होते हमारे 28, 31 में से 28 गए तो आपके बचेंगे कितने, 3 बचेंगे, पावर छोटी हो गई, क्या हो गई पावर, अब 3 पावर हो गई, 2 की पावर 3 क्या होती है आपको पता है, 2 दुनी 4 दुनी 8, यहां पर हम 8 लगा देंगे। अब इस 8 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आसान काम हो गया भाई, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 आपके बचेंगे ना, तो वो जो 3 होंगे बाकी वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए कितना आसान काम कर दिया मैंने आपके लिए, वीडियो को लाइक कर देना, देखिए कितना टाइम बचा रहा हूं मैं आपका। आइए कुछ और टाइप के सवाल देखते थोड़े दोस्तों। इस सवाल में एक नया कॉन्सेप्ट है और ये मैं आपको इसलिए सिखाना चाह रहा हूं ताकि आपका सवाल गलत ना हो, जो ये नहीं सीख पाएगा उसका सवाल गलत होगा ही होगा। देखिए यहां पर है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, हमें यूनिट डिजिट बताना है, किसका बताना है, इस नंबर सीरीज का बताना है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि नंबर सीरीज में ना हर एक नंबर की पावर है। अब इसका करने का तरीका क्या होता है भाई, हम हर नंबर की पावर खोले, उनको जोड़े, फिर उसका यूनिट डिजिट बताएं। लेकिन एग्जाम में तो हम ऐसा नहीं करने वाले, टाइम बचाना है ना। आप देखिए हमारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सिखाए गए ना, हर एक कॉन्सेप्ट काम आएगा, जिसने बहुत ध्यान से देखी उसका तो सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि भाई जब पावर 5 होती है उसका यूनिट डिजिट पावर 1 के यूनिट डिजिट के बराबर होता है, ये मैंने आपको सिखाया था ना। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो भाई, 1 की पावर हम कितनी भी खोलें तो 1 ही रहता है, ये तो हमें पता है, तो ये तो आपका रहेगा 1, इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे हम 2 की पावर 5 का मैंने आपको बताया था 32 आता है, मतलब 2 की पावर जो इसका यूनिट डिजिट आएगा लास्ट का
टू आएगा, ऐसे थ्री का जो आएगा वो आपका थ्री आएगा। अच्छा फोर का क्या बताया था मैंने आपका, फोर और नाइन का कि जब पावर जो है वो ओड नंबर है तो नो चेंज, मतलब पावर जो फिर जो यूनिटेड होगा वो आपका चार का चार ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम लॉजिकली समझते हुए जाएंगे ना तो हम ये पाएंगे कि सबकी ही पावर हट चुकी है, या ये कह सकते हैं कि सबकी जो पावर आएगी वो एक आएगी। वो पावर एक का मतलब तो वो नंबर खुद होता है, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो हमारी जो नंबर सीरीज है फिर वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, वन प्लस टू प्लस थ्री फोर। हमने देखा फिर ये सिंपल हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब हम इसका सम निकालें और सम का जो आखिरी अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों जो इसमें सिखाना चाह रहा था मैं। तो अब ये सवाल नंबर सिस्टम का नारे कर एपी बन गया, एपी जीपी। आपका सम निकालना है, आपको सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है आपका, एन एन प्लस वन बाय टू, ये आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या कुछ नंबर दे रखे हैं उनका जोड़ आपको निकालना होगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पे सम ही निकालना है, जोड़ निकालना है। तो एन क्या होता है, जितने नंबर्स होते हैं, बीस नंबर है हमारे पास, बीस एन, और फिर मल्टीप्लाई में एन प्लस वन, मतलब बीस जमा एक हमारा इक्कीस हो जाएगा, और बटे में आपका दो रहेगा। तो दो से इसको काट देंगे, दो धाम बीस, ठीक है, यहाँ पर दस बार कट जाएगा ये। इक्कीस धाम कितने होते हैं आपके, इक्कीस धाम होते हैं आपके 210। हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, जीरो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि ऐसे भी आपको घुमा सकता है एग्जामिनर। तो आपको बहुत ध्यान से आपको सवाल को देखना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ और टाइप का है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, कहीं से कुछ भी कैसे भी करके आपसे पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर सवाल है कि n की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। अगर ये n की वैल्यू है, n का मान है, तो रूट n का मान क्या होगा, हमसे ये बता रहा है, हमें ये पूछा है, हमसे ये पूछा गया है। आइए देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके जो स्क्वायर है, मतलब दो बार मल्टीप्लाई है, दो बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, ये मैंने दो बार लिख दिया, ये वाला प्लस का प्लस लिख दिया और ये 1 2 3 4 5 लिख दिया, फिर ये प्लस का प्लस आ गया और फिर आ गया हमारा 1 2 3 4 6। अब ये देखिए आप, यहाँ पर दो बार 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर एक बार है, मतलब दोनों जगह है, तो मैं यहाँ पर से एक बार कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने एक 1 2 3 4 5 जो है दोस्तों वो कॉमन ले लिया, यहाँ पर दो बार था, एक बार मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर यहाँ पर रह गया एक बार, और यहाँ पर तो एक ही बार था तो वो मैंने पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 1 बचा खाली, और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 6 चल ही रहा है। अब देखिए इसमें हम प्लस 1 कर देते हैं, कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया, मल्टीप्लाई में हमारा ये हो जाएगा 1 2 3, और ये 45 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 6, और ये प्लस ये वाला आ गया 1 2 3 4 6 ये वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक 1 2 3 4 6 से एक यहाँ पर है, तो अब हम ये कॉमन ले लेते हैं। अब हमने क्या कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये कॉमन आ गया तो हमारा रह जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पर से तो पूरा कॉमन आ गया तो ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको सम कर लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, और 1 हो गया हमारा 6। तो यहाँ पर इस तरीके से सोल्व हो गया, मतलब ये दो बार मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई ये स्क्वायर है। अगर मैं एक बार हटा के क्या कर सकता हूँ, मैंने एक बार ये हटाया और इसको मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, भाई इसका स्क्वायर है क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई में था। अच्छा ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, इधर हमारा एन तो चल ही रहा है, ये हमारी एन की वैल्यू है, तो एन जो आया हमारा वो 1 2 3 4 6 का स्क्वायर आया। हमें निकालनी है रूट एन की वैल्यू, तो रूट की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है भाई, स्क्वायर ना बॉर्डर पार आके रूट बन जाता है, तो ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा देंगे और इधर एन का रूट लगा देंगे, तो भाई एन रूट की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 ये आ गया हमारा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करते हुए लेकर आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है नंबर सिस्टम का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन और मजेदार वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें डियर सर को, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड जब भी आए आपको पता चल जाए और आप फायदा उठाएं, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।